नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। संगठन को मजबूती देने आए मंत्री को संगठन में मिली कई दरारें। कर्णदेव को सौंपी गई रानिया हलके की जिम्मेदारी। जनसभा में वरिष्ठ नेताओं की फूट खुलकर सामने आई। नाराज नेताओं को मंच पर बुलाए जाने के बाद भी मंच से बनाई दूरियां। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद नाराज नेताओं ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाहिर की नाराजगी। सबका साथ सबका विकास के नारे से भड़की भाजपा। रानिया में इक्का दुक्का नेता ही ले रहे हैं इसका श्रेय, इससे नाराज हैं अन्य नेता। खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित शिकायतों पर लगा कार्यक्रम में अंबार। खाईसेरगढ़ सहित कई गांव के लोगों को राशन कार्ड के लिए भेजा गया और कालावाली अधिकारियों ने वापस भेजा रानिया। इसी शिकायत पर मंत्री ने जिला अधिकारी को लगाई फटकार। ऑनलाइन राशन कार्ड से संबंधित शिकायतें शीघ्र होगी दूर। आप देख रहे हैं रानिया पलपल से ओपी वर्मा की ये रिपोर्ट। 2019 के विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा का आला कमान द्वारा विभिन्न हलकों में सौंपी गई जिम्मेदारी को लेकर के प्रदेश में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कर्णदेव कंबोज ने रानिया के राज पैलेस में पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हुए चुनावी ड्यूटियां लगाई। कार्यक्रम में पहुंचने पर मंत्री कर्णदेव कंबोज ने फूल मालाओं से कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस बैठक में मंत्री कर्णदेव कंबोज ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बूथ स्तर पर 5 नौजवानों की टीम को तैनात करने की बात कही। यह टीम के पास स्मार्टफोन व मोटरसाइकिल से लैस होगी। मंच पर लोगों के आई शिकायतों के बारे में मंत्री ने कहा कि राशन कार्डों से संबंधित शिकायतें शीघ्र दूर होंगी। उन्होंने हरे रंग के सामान्य राशन कार्डों के बारे में बताया कि यह ऑनलाइन जारी होंगे, इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश देंगे। मंच से दूरियां बनाए रखी, हालांकि उन्हें मंच पर आने का निमंत्रण दिया गया लेकिन इसके बावजूद जानबूझकर मंच पर नहीं पहुंचे, जिसके कारण मंच पर कई सीटें खाली नजर आई। कार्यक्रम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और जिसमें उन्होंने कहा कि रानिया हलका में आयोजित कार्यक्रम के बारे में कोई सूचना नहीं दी जाती है, बल्कि एक दो नेता अपने स्तर पर कार्यक्रम का श्रेय ले जाते हैं। पार्टी कार्यक्रमों की आधिकारिक सूचना न मिलने के कारण इसमें हम लोग शामिल नहीं हो पाते। वहीं इस बारे में खाद्य आपूर्ति मंत्री से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस मंच के ऊपर उन्हीं के लिए जगह है जिनके प्रति पार्टी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों पदाधिकारियों द्वारा जिम्मेदारी सौंपी जाती है। कि अपने रानिया विधानसभा की संगठनात्मक बैठक थी और हरियाणा सरकार में जितने भी हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, सबको एक एक विधानसभा जो है ना वो एक्स्ट्रा दी गई है, जो हमारी हारी हुई विधानसभा है ताकि उनमें भी पार्टी का संगठन मजबूत हो। तो आज मैं विधानसभा में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करने के लिए आज यहाँ आया हूँ रानिया में, और कुछ विषयों के ऊपर हमने यहाँ चर्चा की है जो कार्यकर्ता, क्योंकि प्रमुख कार्यकर्ता मीटिंग में आते हैं और कार्यकर्ताओं को साल भर किस प्रकार से मेहनत करनी है, कैसे कैसे कार्यक्रम करने हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करता है कि हमने साल में किस प्रकार के कार्यक्रम बूथ लेवल तक जो है ना हमने पार्टी को ले जा करके और अपने बूथ पर किस प्रकार के कार्यक्रम करने हैं। तो 6 कार्यक्रम जो मैंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है ना साझा किया है कि 6 कार्यक्रम हम सब कार्यकर्ताओं ने अपने बूथ पर जो है ना साल भर में करने हैं। उसके साथ साथ 20 नए कार्यकर्ता हमने सब बूथों पर अपने पार्टी के साथ जो है ना मिस्ड कॉल दे करके वो नए कार्यकर्ता जोड़ने हैं और हर बूथ पर 5 ऐसे स्मार्टफोन वाले कार्यकर्ता जिनके पास अपना स्मार्टफोन हो उनकी सूची बनानी है, 5 ऐसे कार्यकर्ता जिनके पास अपनी बाइक हो उनकी सूचियाँ बनानी है, ताकि अपना जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान है उनको और तेजी लाई जाए, उनको ठीक प्रकार से जो है ना जनता तक पहुँचाया जाए। तो इस प्रकार के संगठनात्मक विषयों पर आज हमने चर्चा की है। डेवलपमेंट के लिए जो है ना जो भी विकास रैली हुई थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसमें आए थे, जितने भी हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से मांगे उस कार्यक्रम में जो है ना मांग पत्र में दी गई थी वो लगभग जो है ना उसमें से ज़्यादातर जो हमारी घोषणाएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं, कुछ घोषणाओं पर काम चला हुआ है। और भी आज भी मैंने अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि जो गांव लेवल पर जो भी हमारे सरपंचों के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो उनको लगता है कि ये काम हमारे गाँव के अंदर होना चाहिए, ये समस्या है, तो लिख करके जल्दी से जल्दी भेज दें तो निश्चित तौर पर जाने उन कामों को भी पूरा करवाएं। कि आज की मीटिंग की मेरे पास सूचना नहीं थी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और रानिया हलका में मेरा गांव करी वाला है। मैंने ये उचित समझा भी चाहे मेरे को सूचना नहीं है,
मेरे को मीटिंग में जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करने के लिए मैं मीटिंग में आया। आदरणीय हरियाणा के मंत्री जी का स्वागत करने के लिए मीटिंग में आया, ताकि भारतीय जनता पार्टी की मान मर्यादा बनी रहे। कोई इसमें वो नहीं, बात को ऊपर नहीं बैठा है, नीचे बैठा कोई बात नहीं ऐसी, लेकिन नैतिकता के आधार पे मन नहीं माना तो मैं नीचे बैठा नहीं, और कोई मनमुटाव नहीं, सूचना नहीं थी, इसकी कोई वजह नहीं। पहली बात तो मेरे ऊपर पार्टी का कोई दायित्व नहीं है, मैं जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का चेयरमैन हूँ, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से और मेरे सभी साथियों की वजह से मैं चेयरमैन बना हूँ। ऊपर नीचे बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो देखो संगठन की बात है, संगठन में किसको क्या तवज्जो दी जाती है ये तो पार्टी आला कमान ही फैसला कर सकती है। कोई बात नहीं, मैं तो कांग्रेस का बहुत भोगी आदमी हूँ, मेरे पास कोई आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं थी। हम तो भी रानिया हलके की मीटिंग है और रानिया हलके के हम वोटर हैं, कार्यकर्ता, इसलिए वहाँ आ गए। और मंत्री जी का स्वागत करने के लिए मैं पहुंचे, पर हमें स्टेज पर किसी ने नहीं बुलाया, तो हम नीचे बैठे रहे, उसमें क्या दिक्कत थी। हमें बुलाता, मैं पूर्व में जिला महामंत्री रहा हूँ, पार्टी के प्रति कोई नाराजगी, पार्टी के प्रति नाराजगी होती है तो हम मीटिंग में थोड़े जाते, बिल्कुल सारे साथ हैं। कोई एक आधा आदमी ऐसा हो तो उसको हम पार्टी का नहीं मानते, कि जो आदमी संगठन को साथ ना लेके, बाकी हम सभी साथ है, एक आवाज के साथ है, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के, तो रानिया एकदम आपको इकट्ठे मिलते हैं।